देख रहे थे कि राजन जी की जो है बेइज्जती ना हो, बट ये बात कतई गलत है भाई साहब। ऐसी खुराक मिली थी ना, ऐसी खुराक मिली थी कि तुम पूछो मत। वो बहुत फेंकता है तो उसकी बात पे भरोसा नहीं करना। चल रहे थे, उनका ध्यान इधर उधर लग गया फुलझड़ियों के चक्कर में। कल की एक कहानी हमें याद आ रही है यार। कल हमारी राजवन जी ने ना थोड़ी गजब बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कैसे कर दी? कहता कि सर आपने जो गाड़ी ली थी ना, उसने गाड़ी ली थी इतने की, उसने एक जगह से ठोकी, दो जगह से ठोकी, तीन जगह से ठोकी और वो डबल की बना ली। गाड़ी ली थी 19-20 लाख की, अब उसको खर्चा पड़ रहा है 40 लाख का। छह बार वो इंश्योरेंस क्लेम कर चुका है, बट ये बात कतई गलत है। दो बार करा है, छह बार नहीं यार, मतलब हद होती है। हाँ, फोन की बात सच है कि भाई फोन की स्क्रीन टूटी है 2-3 बार, लेकिन 5 बार नहीं टूटी है। वो बहुत फेंकता है तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करना है। और आज मैं एक ऐसी कहानी के ऊपर से पर्दा हटाने वाला हूं, क्योंकि उसने मेरे को उंगली करी है तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। वो मेरी ड्राइविंग स्किल की बात कर रहा है कि भाई चलो मैं कैसे चलाता हूं कैसे नहीं चलाता हूं। भाई क्या करें, पहली बार गाड़ी ली थी हमने, ठीक है, और आज तक तुम्हारे भाई ने कभी ऐसा करा नहीं कि भाई गाड़ी दे दे, कि भाई चलो मुझे दे दे भाई, मैं जा रहा हूं किसी से मिलने जा रहा हूं, वैसा है नहीं तुम्हारा भाई। पहले से ही बचपन से ये था कि मैं अपनी गाड़ी लूंगा, चाहे जैसे भी मेहनत करूं, और उसी को बैठूंगा, उसी को चलाऊंगा। इसलिए कभी सीखी भी नहीं कहीं, ना किसी से मांगी। अपनी गाड़ी ली, भले ही 2 बार ठोक दी, कोई दिक्कत नहीं, क्लेम कर लिया हमने, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये क्लेम करने के बाद अब हमें फिर एक याद आई कहानी कि हम थोड़ी इज्जत के ऊपर देख रहे थे कि राजवन जी की जो है बेइज्जती ना हो। हुआ क्या कि उन्होंने भी गाड़ी ली थी एक बार बलिनो, बड़े खुश थे वो। और उन्होंने अभी यहां पर मूर्थल पड़ता है एक जगह पे, मूर्थल समझते हो ना, हाँ वही इधर, ये मूर्थल की जगह अमरीक सुखदेव जहां पर जाते हैं लोग। तो भाई एक बार वो जा रहे थे पूरे रोले में, एकदम बाल बाल एकदम से स्पाइक स्पाइक करके, गंजा पंजा होके, ठीक है, और साइड में किसको लेके, एक फुलझड़ी नाम की चीज होती है, बाकी तुम समझदार हो ही हो। तो भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं और उनका ध्यान जो है वो इधर उधर हो लग गया। तो भाई साहब जैसे कोई 2-3 लोग थे सामने से आ रहे, मतलब सामने चल रहे थे, उनका ध्यान इधर उधर लग गया फुलझड़ियों के चक्कर में, भाई साहब ठोक बैठे सीधे। ठोकने के बाद उन्होंने कहा कि फुलझड़ी एक काम करो, तुम तो चली जाओ साइड से, क्योंकि अब मैं सुतने वाला हूँ। भाई साहब ऐसी खुराक मिली थी ना, ऐसी खुराक मिली थी कि तुम पूछो मत, ठीक है। तो पिटे छिते बहुत हैं वो भी, वो अपनी इज्जत बचाते रहते हैं, फालतू फेंकते रहते हैं और हमें चैलेंज कर रहे हैं। अब अगली बार अगर कोई फालतू की बात करें हमें बता देना कमेंट बॉक्स में, अब हम कहानी बहुत सारी लेके आएंगे उनकी। अभी तक हम सोच रहे थे कि यार फालतू में वो कर रहे हैं।